नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर आगरा से सामने आई है, जहां पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के आगे बदमाशों और माफियाओं के हौसले ध्वस्त होते जा रहे हैं। सीएम योगी के आदेश अनुसार लगातार अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और इसी क्रम में एसपी सिटी के नेतृत्व में एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इस अभियुक्त का नाम फरीद पहलवान और फरीदुद्दीन बताया जा रहा है। दरअसल फरीद पहलवान ने ताजगंज स्थित राष्ट्रीय अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक किया था, और इसी फ्लैट पर कुर्की की कार्रवाई की गई। साथ ही आपको बता दें कि फरीद पहलवान के एक फ्लैट के साथ साथ दो मोटरसाइकिलों को भी कुर्क किया है, जिसके चलते लगभग 38 लाख की संपत्ति की जो है कुर्क की कार्रवाई उस पर की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फरीद पहलवान पर थाना मंचौला में 15 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पर थाना इतामुद्दौला से गैंगस्टर की कार्रवाई भी जारी है। फरीदुद्दीन उर्फ फरीद पहलवान नाम का ये व्यक्ति है, जिसके यहाँ कुर्की की जा रही है, और थाना मंचौला में इसके विरुद्ध गैंगस्टर पंजीकृत है, और इनके विरुद्ध करीबन 15 मुकदमे हैं, और ये सट्टा और मारपीट करने के आदी हैं, और सट्टे के कारोबार में जो मारपीट का योगदान होता है, जिसके कारण सट्टे की कमाई होती है, वो इसका एक अहम अंग है, और इनके विरुद्ध कुर्की की जा रही है। डीएम महोदय के डीएम सर के आदेश के अनुसार लगभग 38 लाख की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है, जिसमें इनका ये पीछे दिखता हुआ फ्लैट है, साथ में दो मोटरसाइकिल और एक इनका बैंक अकाउंट है, जिसको कुर्क किया गया है। ऐसे जो भी अपराध से संपत्ति को अर्जन करेगा उसकी कुर्की होगी, और मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि सभी कानून। और खबर अब बरेली से है, जहां शादी के 3 साल बाद ससुराल के लोगों ने बेइंतहा जुल्म करना इस महिला पर शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि विवाहिता का यह भी आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे नशीली मिठाइयां खिलाकर उसे हवस का शिकार बनाया है। इस मामले में अब पीड़िता की तरफ से थाने में शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता परेशान हो गई है। पीड़िता अपने परिवार को लेकर अब एसपी दरबार पहुंची है, और उसने कार्रवाई की गुहार लगाई। बता दें आपको कि पीड़ित विवाहिता रेशमा का यह कहना है कि उसकी शादी 3 साल पहले एक युवक से की गई। उसका पति इस समय कानपुर में रहकर एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, और रेशमा का यह आरोप है कि उसके ससुराल वाले आए दिन उस पर जुल्म करने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि उसे नशीली दवा खिलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही इस महिला को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसका गर्भपात हो गया है। जब थाने में महिला शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, और इसके बाद मजबूरन अब पीड़िता अपने परिवार के साथ एसपी दरबार पहुंची है। फिलहाल इसको लेकर एसपी क्राइम ने मामले की जांच बिठाई है और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। देवर पहले से जिठानी मेरी गुंडा से करवाती थी, फिर मिली हुई थी चाय में देती थी मुझे, क्या पता मैं तो चाय पी लेती, फिर मैं ले जा घर में ले जाती, बेहोश हो जाती, फिर मेरे देवर आकर मेरी इज्जत लूट लिया। मैं हाथ पैर करती थी, मारती अपनी सास से भी शिकायत करती, सास मुझे मारती थी, फिर दूसरे तीसरे दिन को फिर मिठाई दे देती थी जिठानी, मैं खा लेती भाई के हाथ की, फिर ले जाती मैं जाकर, फिर इज्जत लूट लेता था मेरा। फिर जेठ आता ना शराब पी के आया था, तू किसी से नहीं डरती है, अब मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। फिर बाकी हादसे में बच के छत पे से कूद के मैं अपनी घर की बढ़ी आई। देवर पे पहले से जिठानी मेरी बुना सक। वहीं अब खबर गाजीपुर से है, जहां सैदपुर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब प्रभारी निरीक्षक सैदपुर रात्रि गश्त के दौरान करीब 1:15 पर ग्राम रजापुर उर्फ आगापुर में अंतर्गत स्थित एक नदी पुलिया तिराहा पर पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा और चाकू सहित शातिर और कुख्यात जानवर चोरों को गिरफ्तार किया गया। आपको ये बता दें कि जानवर चोरों पर कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अपराधी रात का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। दिनांक 13 और 12 और 13 बजे रात की बात है कि क्षेत्र में चोरी घटनाओं को देखते हुए थाना प्रभारी SHO श्री तेज बहादुर सिंह, मैं पुलिस हमराई थाना क्षेत्र की एवं जो है उनके जो चौकी क्षेत्र प्रति अधिकारी उस इलाके में पैदल गश्त कर रहे थे,
जांच के दौरान उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक जो है ग्रोह जो चोरी करने में सक्रिय है, एक जगह इकट्ठा होकर चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज मय पोस्ट के साथ उन पर विश्वास करके मुखबिर का और उस क्षेत्र पे उस जगह पे जब पहुंचे तो वहां कुछ लोग जो इकट्ठा थे और पुलिस पार्टी को देखते ही उन्होंने एक फायर कर दिया। फायर किए, फायर से सीखे हुए तरीके से हमारा पुलिस फोर्स जो है अपना बचाव किए और चारों तरफ से घेरा बना करके उनको पकड़ा गया, जिसमें से 6 लोग गिरफ्तार किए गए और 2 लोग अफरा तफरी और अधेरे का लाभ लेकर के। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मिर्जापुर से है जहां अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल गाजीपुर जनपद का निवासी 15,000 कहानियां रोहन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें रोहन यादव के खिलाफ अदलहाट थाना और गाजीपुर के करंडा थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं इस मामले में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी नक्सल ने खुलासा करते हुए बताया है कि गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। मिर्जापुर के निर्देशन में अपराधियों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अदालत का मुकदमा अपराध संख्या 208/2021 31 गैंगस्टर एक्ट का है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सेन द्वारा की जा रही है। उसमें एक अभियुक्त है रोहन यादव सनोब मनीरा, गांव देवचंदपुर थाना सैदपुर जिला गाजीपुर। तो इसमें 15,000 रुपये का नाम घोषित था, इसी की आज सुबह गिरफ्तारी की गई है जमुई तराहा चुनार से। ये क्या है सर, पशु तस्कर है? इस पर पशु तस्करी के मुकदमे हैं और इसी अपराध में लिप्त रहता है। इन्हीं मुकदमों के आधार पर इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना कब से फरार था सर? ये लगभग 6 माह से फरार था और इस पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित। तो वही उचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चोरी करने के इरादे से बीआरसी भवन कक्ष के दरवाजे का ताला तोड़कर 3 शातिर चोर कमरे में प्रवेश कर गए। स्थानीय लोगों की नजर जब इन पर पड़ी तो लोगों ने दौड़कर एक चोर को पकड़कर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। साथ ही इसके बाद पुलिस के हवाले इस चोर को कर दिया गया है। बताते चलें कि पुलिस अब पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला सोमवार की सुबह कस्बा के उचाहार सलोन मार्ग पर गंदा नाला के पास बने बीआरसी भवन का है, जहां दरवाजा ताला तोड़कर चोरी की नियत से ये 3 चोर कमरे में घुसे और उनकी ये क्रिया देखकर कुछ दूर खड़े स्थानीय लोगों ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद कुछ ही देर बाद बीआरसी के पास स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसको देखकर ये चोर कमरे से भाग निकले। इसी बीच स्थानीय लोगों ने एक चोर को दौड़कर पकड़ लिया, जबकि बाकी चोर मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए चोर की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना देकर उनके हवाले कर दिया गया। किसी ने इस मामले का जो वीडियो बनाया है वो इंटरनेट पर भी वायरल कर दिया और इस बाबत अब कोतवाल शिवशंकर सिंह ने बताया है कि एक व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली लाया गया। अभी फिलहाल इस व्यक्ति से पूछताछ जारी है और किसी विभाग के द्वारा भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली से मामला सामने आया है जहां पुलिस अभिरक्षा में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत गंभीर हो गई और अब आपको बताते चलें कि पीड़ित युवक को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की भगाने के मामले में पुलिस ने इस युवक को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी पुलिस, जहां पर महाराजगंज कोतवाली में ये युवक मौजूद था, जहां पुलिस अभिरक्षा में ही युवक ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। इसको महाराजगंज आरक्षी लेकर के आए हैं। इसकी जनरल स्थिति तो अभी स्टेबल है और इसको भर्ती करके इसका इलाज किया जा रहा है। और जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हिंसक घटनाएं हुई और इन घटनाओं के बीच गोरखपुर पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। बता दें आपको कि गोरखपुर पुलिस ने जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न करवा दिया और आगे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर गोरखपुर पुलिस लगातार क्षेत्र में फ्लैग मार्च और गश्त कर रही है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे की मदद से संदिग्ध घरों की छतों पर निगरानी की गई और इसी दौरान करीब 54 ऐसे घर मिले जिनकी छतों पर ईंट और पत्थर रखे हुए थे। पुलिस ने फोटो के माध्यम से ऐसे घरों को चिन्हित कर लिया है और घर के मालिकों को नोटिस जारी किया गया। किन कारणों से घर के छतों पर ईंट और पत्थर रखे हुए थे उसका स्पष्टीकरण इनसे मांगा गया है। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि अगर निर्माण के अतिरिक्त किसी और अन्य गतिविधि के लिए ईंट पत्थर रखे गए हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद गोरखपुर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए एवं पूरे प्रदेश में पिछले जुम्मे की नमाज के बाद विभिन्न जगहों पर हुए दंगों को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ड्रोन सेल और ड्रोनों के माध्यम से जनपद गोरखपुर शहर में सभी घरों की छतों एवं घरों के बाहर विभिन्न प्रकार के ईटा पत्थर एवं कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं, उन सबका ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई एवं 54 घरों को नोटिस दिया गया है कि वो अपने घरों के बाहर रखे ईटा पत्थर को अपना कंस्ट्रक्शन के लिए काम में ले रहे उनको रखें, अन्यथा इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए इसलिए उनको हटाने की हिदायत दी गई। और अमेठी के फुर्सतगंज स्थित इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट डायमंड 40 क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें कि उड़ान अकेडमी के ट्रेनी पायलट अभय पटेल सिंगल इंजन डायमंड 40 एयरक्राफ्ट लेकर उड़ा रहे थे। इसी दौरान एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ट्रेनी पायलट अभय पटेल ने सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को खेत में उतार दिया और इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और हादसे की सूचना मिलते ही फुर्सतगंज पुलिस और इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उड़ान अकेडमी में अधिकारियों ने बताया है कि एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी हुई और इसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि फोर्स वहां पर पहुंच गई है और फोर्स लैंडिंग करवानी पड़ी इस एयरक्राफ्ट की जिस दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि ट्रेनी पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। और आज सवेरे 10:15 के आसपास हमारा एक ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग के दौरान उसका जहाज में क्या तकनीकी प्रॉब्लम हुई या कोई और प्रॉब्लम हुई इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और जहाज को उन्होंने फोर्स लैंड किया है। जहाज को थोड़ा डैमेज हुआ, पायलट को कोई डैमेज नहीं हुआ, पायलट एब्सोल्युटली सेफ है। ये इसका नीचे आने का कारण क्या है अभी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके इन्वेस्टिगेशन बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। फिलहाल ये जहाज में ये कंट्रोल मतलब नहीं कर पाए कुछ कारण और जहाज ओपन फील्ड में जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे मौके पे जब इंजन साथ में नहीं हो तो आपको ओपन फील्ड चुनकर उसमें लैंड करना पड़ता है और उसके लिए और कोई मौका होता नहीं। जैसे आप देखोगे यहाँ का आसपास लैंड में पूरा प्लेन नहीं है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसी कारण ये पेड़ से टकरा गया और आके गिरा और पायलट से। फुर्सतगंज एयरपोर्ट का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आज यहां पर क्रैश हो गया। आपको बताते चले एक बहुत बड़ा हादसा टल गया क्योंकि यहां से 100 मीटर की दूरी पर कैमरा में दिखाएंगे ये गांव है। अगर ये घटना कहीं और होती तो निश्चित एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो है पायलट की सूझबूझ से इसको जो है ओपन खेतों में उतारा गया। हालांकि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है, कैमरा मैन से कहेंगे दिखाएंगे वही एयरक्राफ्ट है जिसको जो है उड़ाने के दौरान एक हादसा हुआ है और जो है ये एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन अच्छाई ये है कि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यहाँ पर जो है एयरपोर्ट के पूरे अधिकारी पहुँच चुके हैं, भारी पुलिस बल है और ग्रामीणों की भी यहाँ पर भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले कि ये जो एयरक्राफ्ट है कैमरामैन से कहेंगे ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको फुर्सतगंज के जो ट्रेनिंग करने वाले छात्र हैं वो इसी एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जो है आज किसी कारणवश जो है ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से जो है यहाँ पर खेतों में उतारना पड़ा। कारण क्या है ये जांच का विषय है, ये तो आने वाली जब जांच टीमें आएंगी तब पता चलेगा कि ये क्या कमी थी इस एयरक्राफ्ट में जिसको इमरजेंसी में यहाँ पे लैंड कराना पड़ा। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। फुर्सतगंज एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एयरपोर्ट के अधिकारी हैं, ग्रामीणों की भारी संख्या है यहाँ पर, CO मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद हैं और सबसे बड़ी अच्छाई यहाँ पर ये रही है कि गाँव 100 मीटर दूर था, अगर ये प्लेन कहीं गाँव में क्रैश होता तो निश्चित एक बड़ा हादसा हो सकता था। के साथ ओम शंकर शुक्ला आर्या न्यूज रायबरेली फुर्सतगंज एयरपोर्ट।
मथुरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि आरएन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह भाटी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जब आरएन न्यूज की खबर का असर हुआ है, यहां आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह भाटी लाइन हाजिर कर दिए गए। एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने उन्हें लाइन हाजिर किया है और आपको बता दें कि मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी से कुछ खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि इन दिनों पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और इस बीच दिल्ली और एनसीआर में भी पारा 45 डिग्री के करीब बना हुआ है। इसी के कारण अब भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। तो वहीं आने वाले हफ्ते में भी इस गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जहां न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रहेगा। बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन इसके चलते गर्मी से कुछ राहत नहीं मिली। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने दिन भर जहां लोगों का हाल बेहाल किया, तो रात में भी गर्मी की तपिश लोगों को झेलनी पड़ी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रविवार के दिन भी इसी तरह गर्मी का प्रकोप जारी रहा और अब आने वाले दिनों में भी गर्मी ऐसे ही सितम ढाने वाली है। बताया ये भी जा रहा है कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रविवार की बात करें तो पारा 44 डिग्री पहुंच गया और सोमवार को इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहां तापमान 44 डिग्री के पार 45 और 46 डिग्री भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। बीते दिनों नोएडा में तापमान 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के नजफगढ़ में 46.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ देखने को मिल रहा है। पहले ही न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन अब 30 डिग्री और इसके पार न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से रात में लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां देशद्रोह के आरोपी सपा नेता फजल खान की तलाश तेज कर दी गई है। बता दें आपको कि क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीमें अब फजल खान की तलाश में जुट चुकी हैं। अचाला में नमाज के बाद हुई हिंसा का आरोपी बताया जा रहा है फजल खान, जिस पर अब कार्रवाई की जाएगी। बता दें चले आपको कि फजल के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है और इसी के तहत अब पुलिस फजल खान की तलाश में जुट गई है। पिछले साल भी देशद्रोह के आरोप में फजल की गिरफ्तारी हुई थी। करेली वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं फजल खान, जिसकी तलाशी के लिए अब पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं और तेजी के साथ फजल खान को तलाश किया जा रहा है। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।